औपनिवेशिक छाप और गुलामी की निशानियों से भरे कानूनों को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को निरस्त कर इनके स्थान पर तीन नए बिलों को बीते मॉनसून सत्र के अंतिम दिन पेश किया गया, जिन्हें गहन पड़ताल के लिए गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। तीन नए कानूनों का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना होगा। तो आज के न्यूज़लैंड्स में जानते हैं इन तीन नए विधेयकों के कानून बनने के बाद देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के ऐतिहासिक फैसले से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था के आधार स्तंभ आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का न सिर्फ नाम बदलेगा बल्कि इनके स्वरूप में भी बड़ा बदलाव नजर आएगा। पुराने कानून में 475 जगहों पर मौजूद गुलामी की निशानियों वाले शब्दों को नए कानून में जगह नहीं दी गई है। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लेगी। इसमें 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी, जिसमें 533 धाराएं होंगी। 160 धाराओं को बदला गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को हटा दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य विधेयक रिप्लेस करेगा। इसमें 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। नए कानून में जहां राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त किया गया है, वहीं आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों पर नकेल कसने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध के लिए सख्त प्रावधान करने के साथ ही संगठित अपराधों से निपटने के लिए नई धारा जोड़ी गई है। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने पर खास जोर दिया गया है। धोखा देकर महिला का शोषण करने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास के प्रावधान है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। बच्चों के साथ अपराध के लिए सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। साथ ही विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने की राशि को मौजूदा समय के हिसाब से तर्कसंगत बनाते हुए बढ़ा दिया गया है। अपराध की आय से जुड़ी संपत्ति और घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की के प्रावधान किए गए हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का नया प्रावधान किया गया है। वहीं सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत का भी फैसला लिया गया है। नए कानूनों से नए युग और आधुनिकतम तकनीकों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने के प्रावधान हैं। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दिया गया है। 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपल्सरी किया गया है। पहली बार EFIR का प्रावधान जोड़ा जाएगा। नए कानून में 0 FIR की भी व्यवस्था है, यानी अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया गया है और नए कानून में 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेगी। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे और बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। वहीं सजा माफी को भी तर्कसंगत बनाया गया है। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकेगा और किसी भी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा एविडेंस प्रोटेक्शन स्कीम तैयार करने और उसे नोटिफाई करने को लेकर प्रावधान भी काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए
इन तीन कानूनों से देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।